नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियरिंग सपोर्ट के आपके इस YouTube चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, और हम लगभग 20 वीडियो में बहुत से मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। और अगर अभी तक आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वे वीडियोज़ देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, क्योंकि आज मैं आपको रिटेनिंग वॉल के वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। और इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि अगर मैं पूरी रिटेनिंग वॉल की क्वांटिटी इसी वीडियो में कैलकुलेट करके बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये हमारे एस्टिमेट के सीरीज की 21st वीडियो है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट पर बात करेंगे। और अगर आप नए व्यूअर हैं हमारे इस चैनल के लिए, या अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबाकर घंटी को जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारे इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप उन वीडियोज़ को देखकर अपनी कंस्ट्रक्शन की नॉलेज को इन्हांस कर सके, क्योंकि हम हर दिन आप लोगों के लिए एक नई वीडियो अपलोड करते हैं हमारे इस चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रिटेनिंग वॉल एक मेजनरी स्ट्रक्चर होता है जो डिज़ाइन किया जाता है लेटरल प्रेशर ऑफ सॉइल को रेजिस्ट करने के लिए, जो ज़्यादातर बेसमेंट में कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने रिटेनिंग वॉल का एक डायग्राम बनाया है, जिसमें जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसे हम बेस स्लैब कहते हैं, और जो ये ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है इसे हम स्टेम कहते हैं, जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए और बी, जिसमें हमारे पास लेंथ ऑफ द बेस स्लैब गिवन है 15 मीटर, विड्थ है 4 मीटर और हाइट है 200 mm। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी जो स्टेम है रिटेनिंग वॉल की, इसकी लेंथ तो सेम है 15 मीटर। अब आप यहाँ देखिए, ये आपको ट्रेपिजोइडल शेप में दिख रहा है, जिसका जो बेस है ए, इसकी विड्थ है 500 mm, और ये जो टॉप विड्थ है ये है 200 mm, और हाइट है इसकी ये वाली 4 मीटर। तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल कैलकुलेट करना है तो हमें वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब में वॉल्यूम ऑफ स्टेम को ऐड करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस बेस स्लैब का वॉल्यूम। तो ये हो गया एल इंटू बी इंटू एच, जिसमें जो ये लेंथ है हमारी ये है 15 मीटर, ये जो ब्रेथ है ये 14 मीटर, और हाइट है ये 200 mm। तो ये कैलकुलेट होकर आ गया हमारा 12 क्यूबिक मीटर। तो ये तो कैलकुलेट हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब। अब हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्टेम। तो ये स्टेम ट्रेपिजोइडल शेप का है, तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 × h × लेंथ। तो ए है हमारा ये जो नीचे वाली लेंथ है 500 mm, प्लस बी है ये ऊपर वाली लेंथ 200 mm, और हाइट ये वाली हमारी है 4 मीटर, और इसकी स्टेम की लेंथ है हमारी ये 15 मीटर। तो ये सब कैलकुलेट होकर आ गया हमारा 21 क्यूबिक मीटर। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना फ्रेंड्स, अगर मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना। तो बस अब हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब और वॉल्यूम ऑफ स्टेम को प्लस कर देना है, और ये आ गया हमारा 27 क्यूबिक मीटर टोटल वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो बस फ्रेंड्स, यही एक आसान तरीका है रिटेनिंग वॉल की वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और आप हमें सोशल मीडिया और हमें हमारे सिविल व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए अपने चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।